तो ये करंट आई फ्लो करेगा तो आपके हिसाब से क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेट एक 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 बन पाएगा अब अगर यहीं पर मैं बैटरी को रिप्लेस करता हूं और बैटरी को मैं रिप्लेस करता हूं अब यहां पर ले जाकर मैं एक एसी सोर्स से देखिए एक एसी सोर्स लगा दी मैंने यस yes, सर अब एसी सोर्स yes, sir. लगा दी है तो क्या अब और अगर मैं अब वापस यहां पर स्विच क्लोज करता हूं तो यहां पर करंट फ्लो करेगा

मैं एक मैं इसको सिंपल रखता हूं वो एसी का वो मैग्नीट्यूड एसी का वो मैग्नीट्यूड जो डीसी के इक्वेलेंट हो ए सी का वो मैग्नीट्यूड जो डीसी के इक्वेलेंट हो उसे बोलते हैं आर एम एस ठीक है इसका मतलब सिंपल सी बात है अगर मैं आपसे बोलता हूं फाइव एम्पियर फाइव एम्पियर डीसी करंट फ्लो करता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी फाइव एम्पियर मगर अगर मैं बोल रहा हूं फाइव एम्पियर आर एम एस ए सी करेंट फ्लो कर रहा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फाइव रूट टू कितने लोग को ये चीज पता है गलत तो नहीं बोल रहा हूं चेक करिएगा वी वी क्या होता है वीएम अपॉन रूट टू तो मैक्सिमम क्वांटिटी क्या हो जाएगी इन टू रूट टू अगर मैं कहता हूं फाइव एम्पियर आर एम एस एसी करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव रूट टू एम्पियर तो मैं अभी यहां पर बड़ा सिंपल वर्ड बोल रहा हूं कि ये जो आई है दोनों कंडीशन में सेम है दोनों की वैल्यू सेम आ रही है देखिए फाइव एम्पियर एसी भी है मगर मैक्सिमम वैल्यूज में फर्क आता है अगर मैं कहता हूं 5 एमपियर डीसी है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है और अगर मैं कहता 5 एम्पियर एसी है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइव रू टू एम्पियर्स होती है अब मैं पॉइंट ये रेस करना चाहता हूं कि इन दोनों कंडीशन में ये एक बार डीसी से एक्साइड किया और एक बार एसी से एक्साइड किया मैग्नेटिज्म में फर्क क्या पड़ेगा मैग्नेटिज्म में फर्क क्या पड़ेगा क्वेश्चन समझ में आ गया हेलो आ गया सर क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि अगर मैं उसको एक एसी से एक्साइट करता हूं मैग्नेटिज्म में फर्क क्या पड़ेगा ठीक है जी चलिए इस केस को डिस्कस करते हैं पहले एक काम करते हैं अस डिस्कस फॉर द डीसी डिस्कस करेंगे डिस्कस फॉर द डीसी सोर्स गिव मे से पहले हम किसके लिए बात कर रहे हैं लेटस्ट डिस्कस फॉर अ डीसी सोर्स मतलब मैंने क्या बोला मेरे पास एक मेरे पास एक आयरन नेल है और उस आयरन नेल पर मैंने वायर लगा रखी है और उसको मैंने एक डीसी सोर्स से एक्साइड कर रहा हूं ठीक है अब जरा समझिएगा वट इज एमएमएफ किसी को पता है एमएमएफ को फुल फॉर्म बताओ जरा मैग्नेटोमोटिव फोर्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स बहुत बढ़िया एनी बडी बहुत बढ़िया आंसर था ये अगर मैं कहता हूं यहां पे करंट आई फ्लो कर रहा है और नंबर ऑफ टर्न्स है एन तो मैग्नेटिक मोटो फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा किसी को याद है मैग्नेटो मोटिव फोर्स इज इक्वल टू एन इन आई तो यूनिट क्या हो गई आई की यूनिट क्या होती है ampere. Ampere और नंबर ऑफ टर्समें दिखाते हो टर्स तो इसको हम लोग बोलते हैं एम्पियर टर्स एमएमएफ की यूनिट क्या हो गई एम्पियर टर्स ठीक है नौ दिस एमएमएफ is analogous to emf of, an electrical circuit samjhiye zara dhyan se ab yahan se main jo concept raise kar raha hu zara samjhiyega this mmf is analogous analogous matlab मतलब similar analogous matlab मतलब similar same ki baat nahi kar raha hu analogous matlab मतलब similar this mmf is analogous to the emf of the circuit whereas अगर मैं current की बात करूं current में जो चीज आई होती है magnetic circuit में वही चीज phi होती है मतलब क्या हुआ फ्लक्स इज एनोलॉग टू द करेंट द फ्लक्स एनोलॉगज टू द करेंट इंपोर्टेंट चीज है और मैग्नेटोमोटिव फोर्स के जो चीज़ यहां पर रेजिस्टेंस प्ले करता है इलेक्ट्रिक सर्किट में मैग्नेटोटि मैग्नेटिक सर्किट में वही चीज एस रिलेक्टेंस प्ले करता है यह एस क्या है यह है रिलेक्टेंस ध्यान से समझिएगा इस चीज को यह क्या है आपका फ्लक्स तो EMF को हम लोग अगर लिखता हूं इक्वल टू आई इंटू आर बाई लॉ कितने लोग बात सही है सही है ना बात ये? इज इक्वल टू आई इंटू आर ना तो मैं बोल सकता हूं टू फाइव इंटू एस गलत तो नहीं है भाई जैसे आई था वैसे फाइव हो गया और जैसे आर था वैसे क्या हो गया एस हो गया अब एस अब चेक करिएगा एमएमएफ को मैंने क्या लिखा एन इंटू आई इज इक्ल टू फाइव इंटू एस अब यहां से चेक करिएगा अगर मैं फाइव की इक्वेशन निकालू तो वो निकल के आएगा एन आई अपॉन एस अब ये क्या हो गया चेक करिएगा इज इकल टू एन आई अपॉन एस अब यहां से समझने की कोशिश करिएगा मैं यहां पर एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा हूं जो कि आपको इसी में समझ में आ जाएगा अगर मैं बोलता हूं फाइ इजल टू एन अपॉन एस

no phi is equal to k into i lik sakta hu yes sir क्योंकि क्योंकि n भी कांस्टेंट s भी कांस्टेंट तो ये k क्या बन ये क्या बन गया है कांस्टेंट no. इसका constant. मतलब मैं यहां हां हां हाँ, जी हां जी कोई रोक रहा था बोलिए तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं यहां से अगर phi is equal to k into y इसका मतलब मैं लिख सकता हूं phi is directly proportional to i गलत तो नहीं पक्का है। yes, sir. Yes, sir. अब जरा आगे बढ़ते हैं अब जब आपने डीसी सोर्स यूज करा है जब आपने क्या यूज करा है डीसी सोर्स जब डीसी सोर्स यूज करोगे तो आई की क्वेश्चन क्या होगी आई इज टू आई एम गलत तो नहीं और अभी पिछले में मैंने पिछले क्लास में पिछले अभी इसी में क्या बताया था इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई तो फाइ की वैल्यू क्या हो जाएगी phi M. इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक ग्राफिकल t, तो चाहे मैं आई का बनाऊ एक जैसे ही बनेगा कॉन्स्टेंट कितने लोग को ये बात समझ में आ गई कि अगर डीसी सोर्स लेके चलूंगा तो स्ट्रेट लाइन की तरह आएगा जैसे करंट का आना वाला है सही बात गलत तो नहीं yes, sir. अगर ऐसा ही yes, sir. आना है इसका मतलब सिंपल सी बात है मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो गई कॉन्स्टेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गई यहां पर समझिएगा अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो गई तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके पोल्स क्या हो गए, <laughs> क्या हो गए? फिक्स कैसे हो गए फिक्स. मतलब जो एक बार नॉर्थ बनेगा वो एक बार नॉर्थ बनेगा और जो एक बार साउथ बनेगा वो एक बार हमेशा साउथ रहेगा अब ये नॉर्थ और साउथ का आता समझिएगा हम लोग कैसे लिखते हैं नॉर्थ ऐसे लिखते हैं ना तो नॉर्थ को ऐसे कर दो मतलब जिस एंड में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा वो क्या बन जाएगा अपना नॉर्थ पोल और जिस एंड पर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा वो क्या बन जाएगा अपना साउथ पोल पक्की बात यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं क्लास आर आर यू यू एम आई यहां तक सही चल रहा है यस yes, yes, सर मतलब कि नॉर्थ और साउथ पोल समझ गए जिस एंड पर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करा वहां पे क्या बन गया नॉर्थ पोल और जिस एंड पर करंट क्लॉकवाइज फ्लो करा वहां क्या बन गया साउथ पोल अगर अब अगर मैं एसी सोर्स की बात करता हूं अब मैं किसकी बात करता हूं अगर मैं अब एसी सोर्स की बात करता हूं तो वापस आता हूं फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई अच्छा आई की इक्वेशन क्या लिखते हो एसी में आई एम साइन ऑफ़ ओमेगा टी। यही लिखते हो एसी सोर्स है ना तो आई की इक्वेशन कैसे बनेगी ऐसे ही आएगा

फाई के जो ग्राफ बनाऊंगा वो भी कुछ कुछ ही आएगा मतलब बनाया क्योंकि मैं वैल्यू के वैल्यू मैं लेके चल रहा हूं अभी, अभी लेस देन वन आएगी अगर केन के है तो फाइ की वैल्यू बढ़ जाएगी मगर एक चीज जो हमको यहां से बेसिकली समझनी है वो ये नहीं मैग्नीट्यूड के बारे में हमें यहां पे यही समझना था कि फाइव ही ऑल्टरनेटिंग हो गया मतलब यहां पर अगर आप देखोगे डीसी के, के केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है कांस्टेंट मगर एसी के, के केस में मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो आएगी टाइम वेरिंग कैसी आएगी टाइम वेरिंग टाइम वेरिंग गलत तो नहीं अच्छा एक चीज और देखिए मैग्नेटिक फील्ड वेरी करने के साथ साथ अपना डायरेक्शन भी चेंज कर रही है ग्रीन वाले कर्व को देखिए पहले वो हाफ साइकिल तक पॉजिटिव में था उसके बाद क्या हो गया नेगेटिव में आ गया इसका मतलब नेल ये ऐसे नेल है और लेट दिस दिस एंड इज एंड दिस एंड इज बी तो जीरो ले, से लेकर टी बाय टू तक अगर ये नॉर्थ बनेगा तो बी क्या बन जाएगा साउथ साउथ अगर जीरो से लेकर टी बाय टू तक अगर नॉर्थ था तो वो अगर अगर ए एंड को नॉर्थ बोल दूंगा तो बी एंड क्या बन जाएगा साउथ मगर अगर मैं बात करूं अगर आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा ग्राफ देखकर अगर मैं बात करूं टी बाय टू से लेकर टी तक चेक करूं तो ए तो एंड तो 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 क्या हो जाएगा साउथ और बी बी एंड क्या हो जाएगा नॉर्थ ये क्यों हुआ कौन बताएगा ये क्यों हुआ बोल बिटी चेंज हो गई करंट वैरी कर रहा है तो पोलैरिटी वेरी गुड वेरी गुडर इसका मतलब सिंपल सी बात है आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर मैं कहता हूं ये वाला इंस्टेंट मेरा टी बाय टू है तो टी बाय टू के बाद पोल चेंज हो जाएंगे इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें कि पहली बात तो हमको एक बात समझ में आना चाहिए कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड एसी के थ्रू बनाते हो तो डीसी के थ्रू जब बनाते थे तब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आ रही है मगर जब एसी के थ्रू बना रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम वेरिंग आ रही है ये एक इंपॉर्टेंट है इसको मिस मत करिएगा क्योंकि इस बार जो आप पढ़ने जा रहे हो वो आप पढ़ने जा रहे हो एसी मशीन अब आप डीसी मशीन नहीं पढ़ रहे हो दूसरी चीज डीसी डीसी के कॉन्सेप्ट में जो पोल्स हैं वो फिक्स रहते हैं मगर यहां पर जो पोल्स हैं वो

उथ नॉर्थ साउथ यही है अगर मैं बोलूं कि मैंने अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया था अगर मैं ये बात बोलूं कि वेयर व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज इन विद इन द मैग्नेट तब आंसर क्या होगा साउथ टू नॉर्थ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ये गड़बड़ मत करना ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने की बात होती है बहुत अच्छा आंसर है ये गेट का क्वेश्चन था बैठा अगर नॉर्थ टू साउथ होती है आउटसाइड द मैग्नेट मगर जो इन साइड द मैग्नेट चलती है वो चलती है साउथ टू नॉर्थ वेरी ग्रेट गुड अब जरा वापस बात करते हैं अब यहां पर क्या है यहां पर फेरेडा ने क्या करा फेरेडे ने एक लूप लिया क्लोज अच्छा पहली बात तो उसने जब जैसे ही ना कॉइल और लूप बोला उसका मतलब उसने सर्किट को कैसे कर दिया है क्या कर दिया क्लोज लूप बना दिया ना मतलब सर्किट कैसा हो गया क्लोज उसके बाद उसने इस मैग्नेट को हिलाया। जब उसने इस मैग्नेट को हिलाया तब उसको पता चला कि जब मैग्नेट दूर जाता था जब मैग्नेट दूर जाता है या पास जाता है तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आते थे ये क्या है आपका ये क्या था होता था ये होता था एक गैल्वेनोमीटर ये वोल्ट मीटर भी नहीं है ये

तो उसने यहां से एक चीज कंक्लूड करी उसने बोला कि फेरेड इज लॉस की करेंट विल बी इंड्यूस इन अ कंडक्टर इज टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो उसने ये लाइन बोली ना ध्यान से समझिएगा उसने बड़ी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही बोली विच इज एक्सपोज टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है और मैग्नेट स्टिल पर है मैग्नेट स्टिल पर है तो इस वाले केस में करंट इंड्यूस नहीं होगा या मैं बोलूंगा गैल्वेनोमीटर में किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा अगला जो लॉ इस अगला जो लॉ इसको जो इसके साथ इसका कॉन्जुगेट लॉ बन के आया वो था लेंस लॉ लेंस लॉ ने क्या बोला कि डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट वो ऐसी होगी वो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ऐसी होगी कि वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करे अब अच्छा ध्यान से समझिएगा अगर मैं कहता हूं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है तो इसका मतलब ये हो गया, इस को इस मैग्नेट को रिपल करना है हां की ना? सही बात? बात? कोई कोई सुना कोई सुन रहा yes, sir. Yes. को, yes, को yes, sir. है है। इस इस को को मैग्नेट रिपल रिपल करना अच्छा वो कैसे करेगा? कि यहां पर भी क्या बन जाए? बिल्कुल

क्योंकि अगर इस मैग्नेट को आप मूव करते रहोगे तो इसके अंदर लगातार चेंज होता रहेगा मगर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होना चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए चेंजिंग इंपॉर्टेंट चीज है की इसको मत मिस करिएगा क्लास ठीक है जी अब जरा बात समझते हैं तो इसने मैग्नेटिक इसने ने फिर क्या दे रहा फेराडे ने क्या ढूंढा फेराडे ने बोला वेन एवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड

Yes, sir. Yes, sir. तो, अच्छा तो इस इस को को कैसे पकड़ेंगे? हमने इस वाले को कैसे पकड़ेंगे अपने, अपने में कैसे पकड़ेंगे हमने तो वाले तो तो ये 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 तो सिंपल सी बात यही है देर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स लिंक के चेंज होगा और फ्लक्स लिंक के चेंज होने के साथ क्या हो जाएगा इंड्यूस फ्लक्स जो करेगा क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कर देगा और वोल्टेज पैदा कर देगा इस कंक्लूजन के आधार पर फैराडे ने दो लॉ निकाले ठीक है पहला पहला लॉ एनी चेंज इन द मैग्नेटिक कॉइल एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल ऑफ अ वायर विल कॉज एन ईएमएफ टू बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल बहुत बढ़िया अगर मैग्नेटिक फील्ड लिंकेज कॉइल का कॉइल में चेंज होगा तो क्या होगा एक ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड दिस ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस ईएमएफ को क्या बोलेंगे आज से याद रखना इसको हम लोग क्या बोलेंगे ई e. अच्छा वी क्या होगा वी वी भी तो वोल्टेज है वी क्या होगा? वी जो वर्ड यूज करेंगे, हम लोग वर्ड यूज करेंगे टर्मिनल वोल्टेज के लिए किसके लिए वर्ड यूज करेंगे टर्मिनल वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज अब टर्मिनल वोल्टेज दो तरह का हो सकता है या तो जनरे मोटर का केस लेके चलोगे तो ये क्या होगा ये होगा सप्लाई ये क्या होगा सप्लाई मगर अगर जनरेटर का केस लेके चलोगे तो ये क्या होगा आउटपुट गलत आउट, तो नहीं है आउट दोस्तों. आउटपुट सही है चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है

सिर्फ मैग्नेट को हिलाया दूसरे वाले केस में क्या करा कॉयल को हिलाया तीसरे वाले केस में क्या करा हमने एरिया को चेंज करा ये पॉसिबल जनरली नहीं होता हमने क्या करा? का एरिया ज्यादा या कम बेटा एरिया बढ़ाया थोड़ा ना कम भी तो एरिया कम भी थो। तो हाँ तो, बढ़ाया तो ज्यादा हो जाएगा और अगर कम करा तो कम हो जाएगा बहुत बढ़िया और चौथा पॉइंट एक और है बाय रोटेटिंग द कॉइल रिलेटिव टू द मैग्नेट हम ऐसे भी तो कर सकते हैं मैग्नेट को सेंटर में रखो उसके आसपास पूरी कॉइल घुमाते रहो तो ये क्या है ये चार मेथड्स हैं जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे ओके फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है फैराडे का सेकंड लॉ कहता है दैट मैग्निट्यूड ऑफ ई एम एफ इंड्यूज इन द कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्सेंट लिंक्स विद द कॉल ठीक है चेक करिएगाज क्या है एन इंटू फाइव फ्लक्स लिंकेज क्या है एन इंटू फाइव ये क्या बोल रहा है कि ई एम एफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब डी एन टी। अच्छा कितने लोग को याद है एन क्या होता है एन क्या था नंबर ऑफ टर्न नंबर ऑफ टर्न इन द क्वाइल बहुत बढ़िया एन क्या था नंबर ऑफ टर्न इन द क्वाइल ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले सकते हैं डिफ्रेंशिएशन का सिंपल रूल इसको मैं लिख सकता हूं एन डी फाइव बाई dt dt and d5 by DT. dt अच्छा लेंज लॉ का लेंज लॉ तो लगाना भूल गए ना भाई एक बार एक काम करते हैं लेंज लॉ का माइनस लगा देते हैं e equal to minus of n d5 by dt ये बन गया आपका पूरा का पूरा जिसको आप फेराडे की इक्वेशन बोलते हो अच्छा फ्लक्स लिंकेज क्या होता है n phi इंपोर्टेंट वर्ड है इसको मिस मत करिएगा फ्लक्स लिंकेज क्या होता है n phi अच्छा ये माइनस साइन क्यों आया क्यों आया ड्यू टू लेंजस लॉ बहुत बढ़िया ड्यू टू लेंजस लॉ खंदा यहां से आगे बढ़ते हैं चलिए बहुत सही जा रहे हैं हम लोग ओके अब अच्छा बात यहां से समझिएगा यहीं से हम लोग अगला कांसेप्ट शुरू करते हैं इक्वेशन क्या थी फैराडे की E is equal to minus of n d phi by डी आई थी अब अगर मैं चाहता हूं मुझे E को बढ़ाना है क्या करना है मुझे E को बढ़ाना है तो पहला कॉन्सेप्ट जरा समझिए is इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाँ या ना अगर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, इसका मतलब अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे तो E बढ़ेगा गलत तो नहीं पक्की बात, अगली बात yes एक और लेके चलते हैं. सही e D D हाँ yes है? ना? अगर आप डी फाइव by dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को बढ़ाओगे तब भी क्या होगा ई e बढ़ेगा अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को बढ़ाने का तरीका क्या है इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉयल एंड द मैग्नेट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉयल एंड द मैगनेट मतलब आप कॉयल और मैगनेट के बीच में रिलेटिव मोशन की स्पीड बढ़ा दीजिए तो डी फाइव अच्छा, को याद होगा ई e की जो बेसिक इक्वेशन थी वो क्या थी टू डी ऑफ एन फाइव बाई डी टी हाँ या ना यही तो थी अगर मैं यहां पर सिर्फ फ्लक्स बढ़ा दू अब यह बताओ सिर्फ फ्लक्स बढ़ाऊंगा क्या ई e बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा yeah. सिर्फ सिर्फ फ्लक्स बढ़ा दी बढ़, बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ेगा कौन ये फिजिक्स की बात बढ़े। है बढ़ेगा अब फाइव बढ़ाने का तरीका क्या फाइव कैसे बढ़ता था बी क्या होता था बी होता था फ्लक्स डेंसिटी क्या होता था फाइव बाय ए अगर मैं कहता हूं मुझे एरिया कम कर दिया तब भी बी बढ़ जाएगा और मैं कह दूं अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ा दी तब भी क्या बढ़ जाएगा फ्लक्स बढ़ जाएगा यही तीनों पॉइंट है तो हाउ टू इंक्रीज ईएमएफ एम इन द कॉइल कैसे बाय

अच्छा कितने लोग को ये याद है इसको हम लोग कुछ राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं कुछ राइट हैंड स्क्रू रूल बोलते हैं कुछ स्क्रू रूल बोलते हैं इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है ध्यान से समझिएगा इसको इतना ये देखिए इसको यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट में बोलते हैं कर्ल रूल इसको कर्ल बोलते हैं अगर आप अपना थंब करंट की डायरेक्शन में प्लेस करोगे तो फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बस इतनी चीज याद रखना सारी की सारी इससे हम लोग क्या करते हैं इससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी चेक करते हैं क्या चेक करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी ये इंपॉर्टेंट है इसको समझने की दोस्तों जरूरत है हम लोग हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी जब भी चेक करने की कोशिश करेंगे हम इसी से निकालेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड आ किस तरफ रही है एंटी क्लॉक फील्ड आ रही है कि क्लॉक फील्ड आ रही है अब जैसे यहाँ देखिए यहाँ पे करंट अपवर्ट आ रहा है तो फील्ड कैसी आ रही है क्लॉक ठीक है तो ये आप याद रखिएगा राइट हैंड कल रूल है ये और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग चलिए चेक करिएगा दोस्तों लेट अस डिस्कस विद द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड हैंड एंड राइट रूल जो कि कल उन्होंने डिस्कशन करना शुरू करा था उसी के बारे में बात करेंगे नाउ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जरा चेक करिएगा इसको बहुत अच्छा टर्म देता हूं मैं एफ बी आई एफ बी आई इंग्लिश पिक्चर में होता है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मगर अपन हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भाषा में बात करेंगे तो एफ मींस फोर्स B means magnetic field और I means current. ये अगर हम लोग left hand से करेंगे left hand से करेंगे तो left hand में क्या होगा Whenever the current carrying conductor is placed in a magnetic field, the current carrying conductor is placed. Current carrying conductor is placed in a magnetic field. तो current की direction किससे दिखा दी इस वाली finger से Magnetic field की direction इस तरह से दिखा दी तो force की direction ये दिखा दिया मतलब ध्यान से समझिएगा आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर था वो जब मैग्नेटिक फील्ड में आया तो उसके ऊपर क्या लगी एक फोर्स मतलब फोर्स इसको हम लोग किस भाषा में बात करेंगे इसके बारे में हम बोलेंगे दिस इज मोटरिंग एक्शन अब लोगों के दिमाग में आता है कि फोर्स तो लीनियर होती है मगर एक बात मैं आपको बताऊं रोटेशनल फोर्स इज नथिंग बट टॉर्क अगर मोटर को घुमाना है तो आपको रोटेशनल फोर्स चाहिए मैं इसको और अच्छी तरह समझाता हूं सपोज मेरे पास ये एक ड्रम है और मैं कहता हूं लेट अस कंसीडर दीज टू पॉइंट अगर इस वाले पॉइंट पर इधर लीनियर फोर्स लगे और इस वाले पॉइंट पर इधर लीनियर फोर्स लग जाए तो अगर आप चेक करोगे नेट इस पर एक टॉर्क लग गया हाँ या ना यस और नो तो इसका मतलब सिंपल सी बात है इफ यू वांट टू सी द डायरेक्शन ऑफ मोशन हम लोग सिर्फ चुपचाप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे और दो कंडक्टर पर बस फोर्स की डायरेक्शन चेक करेंगे और बता देंगे कि मोटर अपनी क्लॉकवाइज घूम रही है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या दिखाता है वो दिखाता है आपको मोटरिंग एक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करिएगा लेफ्ट हैंड रूल है अब अगली बात आप ध्यान दीजिएगा अब यहां पर दोबारा आइए ये।, ये अपना कौन सा रूल है ये अपना राइट हैंड रूल है ये कौन सा अपना राइट हैंड रूल राइट हैंड रूल का मतलब क्या हुआ राइट हैंड रूल का मतलब ये हुआ व्हेन एवर अ कंडक्टर इज मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड

क्लोज है तो क्या हो जाएगा करंट पैदा हो जाएगा इसको किससे बोलते हैं है, right और, और, तो है. मतलब तो है. और अगर एक कंडक्टर को या कॉयल को आप मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हो तो उसमें करंट पैदा होता है जो राइट हैंड रूल है ये क्या बताता है आपका जनरेटिंग एक्शन और जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या बताता है आपका मोटरिंग एक्शन ठीक है Is everything okay, class? Are you with me? Yes, yes, sir. yes, sir. yes sir. Okay. Yes, sir. So this is thank you from my side. This is the content of the class which I thought to be delivered today. This is my WhatsApp number. This is for your reference, and this is also my email ID. You can always ping in any time. I will definitely. I will definitely respond. Okay. Okay, sir. Okay, now. So.